हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मेरा नाम है नवजोत कौर। मैं आज आपके सामने जो है रिप्रेजेंट कर रही हूँ टॉपिक मॉडर्न ऑफिस। मॉडर्न ऑफिस जो टॉपिक है वो 1+1 कॉमर्स से रिलेटेड है, जो कि MOP मींस मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें हम जो है ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे और उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे का क्या है ऑफिस, क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या है, क्या हैं करैक्टरिस्टिक्स, कौन से प्ले करता है और उसके साथ जो है उसकी वैल्यूएशन कैसे हुई है और कौन कौन सी उसकी टाइप्स हैं और उसके कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे रीड करेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे जो है लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे शेयर करें। थैंक यू एंड सो लेट्स वी स्टार्ट। अब हम जो है टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न ऑफिस। सो लेट वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे कि जो मॉडर्न बिजनेस होता है वो आज के समय में उसे मैनेज करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स डिफ़िकल्ट है उसको मैनेज करना। सो इट इज़ बिकॉज अ बिजनेस हैज़ एक्सपैंड, क्योंकि आज के समय में बिजनेस को एक्सपैंड करना ज़रूरी हो गया है ड्यू टू लार्ज स्केल ऑपरेशन। लंबे समय के लिए काम करने के लिए, लंबे पैमाने पर काम करने के लिए हमें बिज़नेस को एक्सपैंड करना जो है वो ज़रूरी बन गया है। सो जो भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं जो कि की जाती हैं इन द प्रेजेंट आज के समय में, इट्सेल्फ फॉर द फ्यूचर, तो वो हम अपने फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं। दैट मीन्स जो एक्टिविटी हम अपने बिज़नेस में आज कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम पे कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली जो है फ्यूचर में काम आने वाली चीज़ें हैं जिनमें हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। सो फॉर दिस, इसके साथ जो है सारी इंफॉर्मेशन जो रिगार्डिंग होती है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के रिलेटेड वो ज़रूरी है, मीन्स नीडेड है, ज़रूरी है। सो दिस रिक्वायर्स अ पेपर वर्क, ये जो है पेपर वर्क को रिक्वायर करता है एट अ पर्टिकुलर प्लेस, एट पर्टिकुलर मीन्स एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर, जगह के ऊपर, उसे हम बोलते हैं ऑफिस। जहाँ पर हमें प्रॉपर पेपर वर्क मिल जाता है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उस जगह को, पर्टिकुलर प्लेस को बोल देते हैं हम ऑफिस। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑफिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द हिस्ट्री, मीन्स जो ये एग्जिस्टेंस है, मीन्स ऑफिस का एक बिजनेस इंटरप्राइजेज में होना, ये शुरू से ही हिस्ट्री, इतिहास में शुरू से ही ये चीज़ें चलती आ रही हैं। सो हिस्ट्री इन इट्सेल्फ, हिस्ट्री जो है वो इनकम्प्लीट है विदाउट रिकॉर्ड, बिना किसी चीज़ के रिकॉर्ड के जो भी हिस्ट्री है वो इनकम्प्लीट है, वो कम्प्लीट नहीं है हमारे सामने। सो जो ऑफिस वर्क जो ओरिएंट किया गया फर्स्ट टाइम वो रोमन एंड ग्रीक सिविलाइजेशन में, जो वहाँ की सभ्यता है ग्रीक की, रोमन की, उसमें जो है इसे किया गया फर्स्ट टाइम, उसकी जो ओरिएंटेड है ऑफिस की वहाँ पे की गई। सो नेक्स्ट हम करेंगे मीनिंग। मीनिंग ऑफ ऑफिस, ऑफिस का मीनिंग क्या है? जो डिक्शनरी मीनिंग है ऑफिस का वो ये है, प्लेस वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन, वो जगह जहाँ पे बिजनेस को कैरी किया जाता है। सो इट मे बी डिफाइन एज अ सेंट्रल प्लेस, इसे सेंट्रल प्लेस भी बोला जा सकता है। यहाँ पे सारे क्लैरिकल वर्क्स को किया जाता है और टाइप्स ऑफ पेपर्स, पेपर वर्क भी वहाँ पे हुआ मीन्स करते हैं। पेपर वर्क जैसे कि लेटर्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, फाइल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखी जाती हैं एंड आर मेंटेन, इन्हें मेंटेन किया जाता है द कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। इसे मेंटेन करते हैं ताकि कोऑर्डिनेशन बनी रहे और कंट्रोल किया जा सके जो अफेयर्स हैं, मीन्स जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उसे सॉल्व करने के लिए। सो एनी प्लेस, एक ऐसी जगह जाओ कि ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो है हम यहाँ से रिसीव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर सकते हैं, प्रिजर्व्ड रखे होते हैं, संभाल कर रखे होते हैं, सप्लाइड किया जाता है,
तो उससे हम जब डिस्क्राइब करेंगे वो बोलेंगे एन ऑफिस, कि वो क्या होता है, ऑफिस है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें कि जो ऑफिस है वो डिक्शनरी मीनिंग यही है, वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे बिजनेस को कैरी किया जाता है, और ये एक सेंट्रल प्लेस होती है। यहाँ पे हमें एवरी टाइप मीन्स ऑल टाइप के क्लरिकल वर्क्स जो है वो किए जाते हैं, मीन्स कोई भी क्लरिकल वर्क है वो ऑफिस में किया जाता है, और पेपर वर्क जो है वो भी ऑफिस में ही किया जाता है। पेपर वर्क में जैसे लेटर्स हैं, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस है हमारे पास, कोई फाइल्स पड़ी हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो सारा कुछ मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हमें ऑफिस की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ से हम एनी नेसेसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स को रिसीव कर सकते हैं, तो उस जगह को बोल देंगे हम ऑफिस। नेक्स्ट इज डेफिनेशन। मैंने टू डेफिनेशंस को यहाँ पे लिखा है। सो फर्स्ट है, जो ऑफिस है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होता है बिजनेस का। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर मीन्स यहाँ पे जो है डिसीजन मेकिंग की जाती है। सो द पर्पस ऑफ एन ऑफिस हैज़ बीन डिफाइंड एज प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिकॉर्ड। तो इसका ऑफिस का पर्पस यही होता है। तो जब हम इसे डिफाइन करते हैं तो यही डिफाइन किया जाता है कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कम्युनिकेशन के साथ, एक दूसरे के साथ बातचीत करके, दूसरे को कन्वे करके मैसेज, और रिकॉर्ड की जाती हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, वो कहाँ पे किया जाता है, ऑफिस में किया जाता है। तो ये जो डेफिनेशन है ये मिल्स एंड स्टैंडर्ड फ्रॉड की तरफ से ये लिखी गई हैं। सो सेकेंड डेफिनेशन इज़ द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग, एक ऐसा एक्ट जिसमें हम जो है कलेक्ट करते हैं, मीन्स के जिसमें हम जो है क्या कलेक्ट करते हैं, अलग अलग टाइप की जो इंफॉर्मेशन है कलेक्टिंग करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, स्टोर किया जाता है, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इंफॉर्मेशन को, और ऑफिस के फंक्शंस को कंप्रेस्ड किया जाता है। तो ये जो है जॉर्ज आर टेरी की तरफ से इसे एस्टैब्लिश किया गया है डेफिनेशन को। So there is a next definition, next is objectives and purpose of office. कि office के objectives क्या होते हैं, purpose क्या होता है office को बनाने में। First is to provide proper and sufficient information. ये हमें proper information बता देता है, sufficient means जिसमें कोई भी doubts वगैरह ना हो, ऐसी information provide करता है। सेकेंड है टू फैसिलिएट द फंक्शनिंग ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स, ये जो है बाकी डिपार्टमेंट के साथ भी काम करने में हमें हेल्प करता है। सो टू फैसिलिएट डिसीजन मेकिंग, डिसीजंस लेने में भी हमें हेल्प करता है। टू प्रिस्क्राइब द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑफिस, इसमें जो है हम ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स को संभाल कर रख सकते हैं। टू प्लान द एक्टिविटीज़ एंड इम्प्लीमेंट देम, हम जो है एक्टिविटीज़ अलग अलग एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टू सेटअप कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हम जो है अलग अलग कोऑर्डिनेशन जो है बना सकते हैं, मिलकर काम कर सकते हैं अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स हैं बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें जो है कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए हमें हेल्प करता है ऑफिस। लास्ट है, ये हमें हैंडल करने में हेल्प करता है वेरियस फैक्टर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करके जो अलग अलग टाइप के फैक्टर्स हैं उनमें हमें हैंडल करने में हेल्प करता है ऑफिस। नेक्स्ट इज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑफिस, ऑफिस के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, ये कौन कौन से फंक्शंस को कैरी करता है, मीन्स क्या क्या काम ये हमें करके बताता है। सो फर्स्ट इज एन इंडिसिबल यूनिट, ये एक ऐसे यूनिट है जो कि इंडिसिबल है, जो कि एक सेंटर की तरह काम करती है।
बिजनेस में इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक डिस्पोजेबल है, मींस के इसे डिस्प्ले करना, इसे ऑफिस एक एरिया ऐसा बनाना जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो ये एक यूनिट के लिए कंपलसरी हो जाता है कि वहाँ वो अपने डिसीजंस लेने के लिए, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कि एक ऑफिस को बनाएं। सेकंड है मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी मैंने इंफॉर्मेशन होती है, रिकॉर्ड्स होते हैं, लेटर्स हैं, वो सारी जो है ऑफिस में मैनेज की जाती है, मींस उसे ऑफिस में रिकॉर्ड करके रखा जाता है। डिपार्टमेंटेशन, जो ये ऑफिसेज होते हैं, ये जो है डिपार्टमेंट्स, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ रिलेशन बनाने में अच्छे से काम करते हैं। दैट मींस अगर जो है हमने रिलेशन बनाना है एक का दूसरे के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, डिपार्टमेंट्स में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए, ये जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट है ऑफिस इज़ अ वर्क नॉट अ प्लेस। ऑफिस एक वर्क को बोला जा सकता है, एक प्लेस को नहीं बोला जाता। सो डेफिनेटली जो ऑफिस है वो वर्क है, प्लेस नहीं है। पब्लिक रिलेशन, जैसे कि अगर जो भी हमारा ऑफिस है वो हम सारी जो इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड करके रखता है, कि जैसे कि फिनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो सारे जो है ये रिकॉर्ड करके अपने पास रखता है ऑफिस। सो पब्लिक के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। पब्लिक के लिए कैसे हेल्पफुल हैं, जिन लोगों ने जो है इन्वेस्ट करना है हमारे बिजनेस में आकर, हमारी कंपनी में आकर शेयर्स खरीदने हैं, जो शेयर होल्डर्स ने, उनके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ताकि उन्हें ये पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस में आने वाले मींस के फ्यूचर में क्या क्या प्लान्स हैं और हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने शेयर्स हैं हमारे पास और कितना हम काम अच्छे से कर रहे हैं, प्रॉफिट कितना, एक्सपेंस कितना बेयर कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, डिविडेंड कितना दे रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं ये इफ़िशेंटली, सफिशेंटली, इफ़ेक्टिवली जो है अपने शेयर होल्डर्स को बता सकता है। तो इसलिए इसका जो है पब्लिक से के साथ रिलेशन भी अच्छा बनाने में हेल्पफुल होता है ऑफिस। तो हेल्प जो ऑफिस है वो हेल्प करता है बिजनेस को पब्लिक के साथ गुड रिलेशन क्रिएट करने में। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑटोमेशन। तो अगर कोई ऑटोमेशन आती है, कोई चेंजेस आते हैं, तो उस हिसाब से जो है ये इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। इन्फ्लुएंस्ड मीन चेंजेस किए जा सकते हैं इसमें। तो अगर कोई चीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बजट में कुछ चीज़ें आ जाती है, तो उसमें ऑटोमेशन है तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग जो है ढाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी एंड सेंट्रल कंट्रोल सेंट्रल या सेंट्रल सेंटर। तो इसका मतलब यही है कि ऑफिस को हम एक मेमोरी भी बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें हम हर चीज़ को रिकॉर्ड करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो इसे मेंटेन करके रखते हैं, तो इसलिए इसे हम मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो सेंटर तो है ही, सेंटर में जो सारे डिपार्टमेंट्स के साथ एक दूसरे के साथ लिंक बनाकर हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है लोकेशन। तो इसकी जो लोकेशन होती है वो ऐसी होती है जहाँ से सभी डिपार्टमेंट्स के साथ जो है इसका कॉन्टैक्ट अच्छे से हो पाए और सभी डिपार्टमेंट जो है ईजिली जो है इसके साथ कोऑर्डिनेट कर पाएँ और उन्हें कंट्रोल करने में डिपार्टमेंट्स को ऑफिस में जो है इतनी प्रॉब्लम ना हो। तो वो ऐसी जगह के ऊपर इसे लोकेट किया जाता है बिजनेस इंटरप्राइजेज में। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑफिस। टाइप्स ऑफ ऑफिस में है हमारे पास फोर टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस के ऊपर। सेकंड इज़ लोकेशन के बेसिस के ऊपर। थर्ड इज़ लीगल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। एंड फोर्थ वन इज़ प्लेस के अकॉर्डिंग। ये क्या क्या है अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें। देयर इज़ द फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस के ऊपर इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज़ हेड एंड सेकेंड इज़ ब्रांच। सो हेड ऑफिस कौन सा होता है?
हेड ऑफिस वो ऑफिस होता है यहाँ पे जो है पूरे डिसीजंस बिजनेस के बारे में लिए जाते हैं। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठकर जो है, जो ऑनर्स होते हैं वो बैठकर जो है डिसीजन लेकिंग करते हैं, बजटिंग बनाते हैं, अलग अलग जो है पूरे सिस्टम को चलाने के लिए डिसीजंस लेते हैं, और जो भी उन्हें गोल सेट करना होता है वो ऑब्जेक्टिव जो है ये सारे सेट करते हैं, और एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, पॉलिसीज प्रिपेयर करते हैं, प्रोसेसेस बनाते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस को फॉलो करना है, प्रोडक्शन किस लेवल तक करनी है, सो ये सारी चीज़ें। तो ये हेड ऑफिस का काम है, तो जो कि पूरे बाकी जो ब्रांचेज होती हैं उन्हें कंट्रोल करता है। तो ब्रांच ऑफिस का क्या काम होएगा? ब्रांच ऑफिस जो है वो हेड ऑफिसर के साथ लिंक होता है उसका, तो जो हेड ऑफिस ने काम दे दिया है वो ब्रांच वाले को करना पड़ेगा, और जो भी गोल जो है हेड ने सेट कर दिया है वो ब्रांच वाले ऑफिस को उसे कंप्लीट करना पड़ेगा किसी भी जो है कीमत के ऊपर, और वो उस हिसाब से जो है अपने वर्कआउट को चलाता है। जो भी हेड ऑफिस जो है वो सिलेक्ट कर देता है गोल को, जो सेटअप कर देता है गोल को, उस हिसाब से जो ब्रांच ऑफिस है वो अपने काम को कंटिन्यू करता है, डिसीजंस उसके रिलेटेड लेता है। तो जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो वो हेड ऑफिस के जो भी इनके रूल्स वगैरह हैं उनके साथ रिलेट करके जो है वो बनाई जाती हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के बेसिस के ऊपर भी इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो देयर इज़ अ टू टाइप्स, वन इज लोकल एंड अदर वन इज रीजनल। तो जो लोकल ऑफिस होता है वो ये एक ऐसा ऑफिस होता है जो कि लोकेलिटी में, मींस बिजनेस के जो इंटरप्राइजेज है वो लोकेलिटी में जो है वो सब मींस बनाया जाता है, जो कि सारे डिपार्टमेंट्स के साथ जो है डील कर पाए। आगे है रीजनेबल, रीजनेबल मींस एक ऐसे रीजन में बनाया जाता है ऑफिस जहाँ से जो है वो बाकी ब्रांचेस के साथ भी अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाए। सो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट। सो फर्स्ट इज रजिस्टर्ड ऑफिस एंड अदर वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। सो ये दोनों क्या है? रजिस्टर्ड मींस जो ये ऑफिस होता है वो हमारा रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, मींस रजिस्टर्ड ऑफिस वो ऑफिस होएगा जो एक रजिस्टर्ड बिजनेस का होएगा, मींस ऐसी बिजनेस जाओ के किसी भी एक्ट के अंदर, लीगल एक्ट के अंदर, लॉ के अंडर जो है वो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है रजिस्टर्ड हो। जैसे कि अगर कोई कंपनी है तो वो कंपनीज एक्ट के अंडर हो, फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म एक्ट के अंडर हो। तो ऐसी जो भी हमारे पास जो है, अगर वो हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस है तो अब जो है HUF के अंडर जो है रजिस्टर्ड हो, तो वो जो भी लॉ के साथ रिलेट करता है बिजनेस हमारा उसके अंडर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है। तो अगर वो उसके अंडर रजिस्टर्ड है देन हमारे जो ऑफिस होएगा वो रजिस्टर्ड ऑफिस होएगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या होता है? वो रजिस्टर्ड के साथ नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटिव में सिर्फ जो है बजटिंग की जाती है, डिसीजंस लिए जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर जो है काम करते हैं, पूरे डिसीजंस लेते हैं, डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं और प्लान करते हैं, गोल्स बनाते हैं और उसे कैसे जो है प्लान करना है, मींस कैसे उसको अचीव करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मिलकर जो है प्रिपेयर की जाती हैं, और वो जो है लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ ही कंप्लीट की जाती हैं कि जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी रूल्स बनते हैं, तो उस रूल्स को फॉलो करके जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता है वो ऑफिस होता है वो क्या करता है, डिसीजंस लेता है अपने बिजनेस से। सो नेक्स्ट है बेसिस ऑफ प्लेस। प्लेस के बेसिस के ऊपर जो फर्स्ट है फिक्स्ड ऑफिस एंड सेकंड वन इज मोबाइल ऑफिस। तो इनमें क्या डिफरेंस है? फिक्स्ड ऑफिस एक ऐसा ऑफिस होता है जो कि एक जगह के ऊपर ही फिक्स्ड होता है, जो उसे हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते हैं। लेकिन जो मोबाइल ऑफिस होता है, जैसे अगर हम सारी चीज़ें जो है अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके रखते हैं तो वो उसे हम इजीली कैरी करके कहीं भी लेके जा सकते हैं अपने साथ, तो इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो इसलिए ये प्लेस के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ ऑफिस। इवैल्यूएशन का मतलब होता है डेवलपमेंट, मींस जो भी हमने ग्रो करना है, ग्रोथ हो सकता है इसमें, डेवलपमेंट हो सकती है इसमें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, सो इनमें क्या है? पहले जो ग्रोथ है, इसे कैसे एक्सपेंड करना है, कैसे ऑफिस को डेवलप करना है, तो वो सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे ऑफिस को कैसे इवैल्यूएट किया गया, कैसे उसकी
इवेल्यूएशन हुई, कैसे उसे डेवलप किया गया। बिकॉज जो एक्सपेंशन है वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, वो ऑफिस वर्क जो है इंक्रीज लॉस्ट, वो उसके साथ ऑफिस वर्क जो है हमारा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मीन्स के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के इंक्रीज़ होने के साथ में अगर हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसके साथ जो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी, हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे, हमारे जो लॉसेस हैं वो भी उनके साथ डील करना पड़ेगा, रिस्क बियरिंग करना पड़ेगा, ऑफिस वर्क ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए वो ऑफिस वर्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, अलॉट इंक्रीज़ हो जाएगा ज़्यादातर। तो ये कौन कौन से फैक्टर जो है ऑफिस वर्क के ग्रोथ में जो है वो लेके आ सकते हैं, दैट मीन्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो के जो है रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के रिलेटेड। सो फर्स्ट इज़ ग्रोथ ऑफ ऑफिस वर्क इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड कॉम्प्लिकेटेड ऑफ द बिजनेस। विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ बिजनेस द पेपर वर्क ऑल्सो इंक्रीजेज, जैसे कि ऑफिस वर्क ग्रो करता है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, जैसे कि बिजनेस का साइज इंक्रीज हो रहा है उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ेंगी, प्रॉब्लम्स भी बिजनेस की इंक्रीज होंगी। तो जिस तरह जो है बिजनेस का साइज इंक्रीज होता है उसी हिसाब से उसका पेपर वर्क भी इंक्रीज होता है। सिंपल सी बात है, अगर जो है हमारे वर्क ऑफिस वर्क में ग्रोथ हो रही है दैट मीन्स किसके कारण होएंगी, या तो बिजनेस का साइज इंक्रीज हो गया है, या तो बिजनेस में कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगी तब भी इंक्रीज होएगी। और जैसे कि बिजनेस का साइज इंक्रीज होएगा तो उस हिसाब से जो पेपर वर्क है वो भी इंक्रीज होएगा। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड है हमारे पास पॉइंट कि अवेयरनेस ऑफ द मैनेजमेंट फॉर द टाइमली इंफॉर्मेशन इज़ द रीजन रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑफिस वर्क। तो जो भी हमारे पास जो मैनेजमेंट है वो अवेयरनेस, उसे पूरी अवेयरनेस होनी ज़रूरी है ताकि उन्हें टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाए इज़ द रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑफिस वर्क। तो अगर उन्हें टाइमली पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी तो वो किसके कारण होएगी, एक अच्छे ऑफिस वर्क के कारण होएगी। तो अगर वो उसका ऑफिस वर्क उस बिज़नेस का ज़्यादा अच्छा है तो उसे टाइमली इंफॉर्मेशन जो है प्रॉपरली मिल जाएगी किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो मैनेजमेंट जो है इस चीज़ से लेके अवेयर होना उन्हें ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोथ इन वर्क ऑफ डाटा कलेक्शन। तो इसमें भी ग्रोथ करनी ज़रूरी है इस काम में भी, कि हमने डाटा कलेक्शन कैसे करनी है, उसके ऊपर प्रोसेस कैसे करना है, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है। टू इंक्रीज ड्यू टू द नीड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द टेक्निक्स, वो किसके कारण होएगा कि टेक्निक्स के साथ साथ हम जितनी जो है उसकी रिसर्च करेंगे, कितनी उसकी डेवलपमेंट करेंगे, उस हिसाब से जो है हमारा वर्क करने का वे जो है वो भी टेक्निकली चेंज हो जाएगा और डाटा कलेक्शन अच्छे से हो पाएगा, प्रोसेसिंगली वर्क कर पाएंगे, रिकॉर्ड को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। सो ये सारी चीज़ें वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ ही होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, द नीड फॉर प्रिस्क्राइबिंग द रिकॉर्ड रिलेटेड टू द फाइल रिटर्न। तो अगर हमने कोई फाइल रिटर्न करनी है, फाइल रिटर्न मीन्स हमने इनकम टैक्स की पेमेंट करनी है, तो उस चीज़ में भी स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में हमें ऑफिस जो है लीगली फॉर्मुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होएगा। सो इट हैज़ इंक्रीज द पेपर वर्क, इसके साथ पेपर वर्क तो इंक्रीज होएगा ही, लेकिन उसके साथ जो है हमारे जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉपरली मेंटेन हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है विद इन द इंक्रीज ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक्स, अगर हम बैंक्स के साथ डील कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंक्रीज करेगा हमारी इंपॉर्टेंस को, ज़रूरत को। इंश्योरेंस है, एडवर्टीजमेंट है, कंपनीज की ऑफिस वर्क जो है वो इसके साथ इंक्रीज हो जाएंगे, कि जैसा जैसा हम काम अपना बढ़ाएंगे एक्सपेंड करेंगे उसके साथ हमारा ऑफिस वर्क जो है वो भी ग्रो करेगा, वो भी बढ़ेगा। एंड देर इज़ अ लास्ट पॉइंट है वैल्यूएशन में। सो जो मैनेजमेंट है वो फेल है टू मॉडर्नाइज द ऑफिस वर्क, वो ऑफिस वर्क को मॉडर्नाइज करने में बहुत फेल है, इस काम में पीछे है, विच हैज़ लीड टू इंक्रीज द ऑफिस वर्क, क्योंकि इसके साथ उसका ऑफिस वर्क जो बर्डन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इट हैज़ बिकम अ ट्रेंडेंसी टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोसीजर, तो ये एक ट्रेंडेंसी हो जाती है, एक मीन्स के एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके कारण हमें एक
नए प्रोसीजर को इंट्रोड्यूस करना जो है वो ज़रूरी बन जाता है विदाउट स्पेसिफाइंग द ओल्ड वन, ओल्ड वन पुराने को स्पेसिफाई किए बिना। सो फॉर दिस मोर एंड मोर एम्प्लॉयज़ आर अपॉइंटेड। अगर हमने ऐसा पेपर वर्क जो है कम करना है, मीन्स बर्डन कम करना है पुराने पर्सन्स के ऊपर से, तो उसके लिए हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा एंड हैज़ रिजल्ट टू इनएफिशिएंसी ऑफ वर्क। तो उसके हिसाब से हमें काम में भी इनएफिशिएंसी मिल सकती है कि कुछ पर्सन्स को वो चीज़ें नहीं अच्छे से आती हैं, तो उन्हें सिखाना पड़ेगा, तो इसके साथ जो है हमारा काम जो है डाउन कर जाना शुरू हो जाएगा। सो नेक्स्ट है कॉमन ऑफिस एक्टिविटीज़। तो कॉमन मीन्स जो कॉमन कॉमन काम जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या क्या करता है। फर्स्ट इज़ रिसीविंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को, रिकॉर्ड की जाती है इंफॉर्मेशन, क्रिएटिंग रिकॉर्ड, रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, प्रोसेसिंग एंड अरेंजिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के ऊपर काम किया जाता है और उन्हें अरेंज किया जाता है, कंप्यूटेशन एंड स्टैटिकल वर्क। जो स्टैटिकल वर्क मीन्स बैलेंस शीट्स बनानी पड़ेंगी, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी, प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनकम टैक्स के साथ रिलेट करना पड़ेगा, फाइल्स रिटर्न करनी पड़ेगी, बजटिंग तैयार करना पड़ेगा, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन। तो जब हमने जो है बजट बनाना है तो उसके लिए हमें जो भी इंफॉर्मेशन उसको प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ेगा, उन्हें पूरी तरह से जाँच करनी पड़ेगी, उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, फिर ही हम बजट को बना पाएंगे। आगे मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, उनको रिकॉर्ड को अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर हम जो है वहाँ पे कोई कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर वो पेपर वर्क कर रहे हैं तो फाइल्स को अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जो कि ख़राब ना हो, जो है बारिश के कारण भीगे ना, और जो है वेट ना हो और ड्राई, मतलब ऐसी चीज़ों से जो है उन्हें बचा कर रखना पड़ेगा कि जो कि जो भी एनिमल्स वगैरह हैं वो भी उनको जो है कट ना कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ों से हमें संभाल कर जो है उसे अच्छे से प्रॉपरली देखना पड़ेगा। आगे रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को अच्छे से रिटेन करके रखना पड़ेगा स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होएगी उसे हमने दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ, दूसरे जो है अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अपने मैनेजर्स के साथ, अपने डायरेक्टर्स के साथ, ओनर के साथ होता है अच्छे से कम्युनिकेट करना भी जो है ज़रूरी है, ये भी उसकी एक एक्टिविटी है। नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ ऑफिस टू अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ बिजनेस, को क्या रिलेशन है ऑफिस का दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ। फर्स्ट इज़ परचेज डिपार्टमेंट, मीन्स पहले ये देखो ऑफिस क्या क्या करता है, रिसीव करता है, स्टोर करता है, सप्लाई करता है इंफॉर्मेशन को। सो पहले है परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट को ये हेल्प मिलेगी कि उतने कितनी चीज़ें और ज़्यादा स्टॉक को क्या करना है, रॉ मटेरियल को परचेज करना है बिजनेस में, कितनी प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करना है, तो वो सारी चीज़ें परचेजिंग पावर को देखेगा कि कितनी चीज़ें हमने परचेज करनी है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, हमें प्रोडक्शन करने में, प्रोडक्ट्स को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में हमें हेल्प करेगा। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स क्या करेगा, पूरे अकाउंट्स को देखेगा, देखेगा कहाँ कहाँ से हमने कौन कौन सी चीज़ों में अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, उस हिसाब से फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है, तो उन चीज़ों को मेंटेन करेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट ये देखेगा कि हमने कितना पैसा कहाँ से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और कितनी हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, जिस हिसाब से हम अपने फाइनेंस को अरेंज करें, और अगर हमने लोन वगैरह लेना है तो हम कहाँ से उसे ले सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं ये डिपार्टमेंट देखेगा। पर्सनल डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट ये देखता है कि जो HR का काम करता है, HR मींस जो कि पर्सन्स को एम्प्लॉय करता है, मींस अपॉइंट करता है पर्सन्स को, कैसे अपॉइंट करता है, न्यू पर्सन्स को लेके आना, एम्प्लॉयज़ लेके आना बिजनेस में, मैनेजर्स लेके आना नए बिजनेस में, जो कि और ज़्यादा पर्सनल उनकी सैलरीज प्रिपेयर करना, तो ये सारा काम जो है वो पर्सनल डिपार्टमेंट, पर्सनल का मतलब होता है यहाँ पे एम्प्लॉयज़, पर्सनल बोलते हैं हम एम्प्लॉय को, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जिसमें जो है हम सेलिंग देखते हैं कि हम कैसे मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, किस हिसाब से हम अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कौन से मेथड का यूज़ करके हम अपने जो भी हमारा प्रॉफिट है उसे गेन जो है ज़्यादा कर पाए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग डिपार्टमेंट, तो अगर इसमें एक कैश डिपार्टमेंट भी आ सकता है जो कि कैश के साथ डील करेगा, लिक्विडिटी देखेगा कि कितनी लिक्विडिटी हमने अपने जो है स्टेबल रखनी है अपने बिजनेस में, और एक
सेल डिपार्टमेंट होएगा जो कि सेल के साथ डील करेगा, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट होएगा जो कि एडवर्टीजमेंट के साथ डील करेगा। सो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर डील करेंगे इसमें ऑफिस के साथ। सो जनरल कंसेप्ट क्या है एक ऑफिस का? सो ऑफिस जो है वो एक ऐसी इंपॉर्टेंट प्लेस है ऑर्गेनाइजेशन की, यहाँ पे जो है वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की। कि जो ऑर्गन जो ऑफिस है वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्लेस है ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ पे जो है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करके बिजनेस का जो भी ऑर्गेनाइजेशन का हमने ऑब्जेक्टिव जो सेट किया है, गोल सेट किया है, उसे अचीव करने में हेल्प करता है। सो ये एक इंट्रीगल पार्ट है बिजनेस का। कोई भी बिजनेस है तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इंट्रीगल पार्ट है, जिसके बिना बिजनेस का चलना इम्पॉसिबल है। सो इफ़ बिजनेस स्टार्ट्स टू रिग्रेक्ट एंड कॉम्प्लेक्स, ऑफिस हेल्प्स बाय सिंप्लीफाइड एक्टिविटीज प्रमोट द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। तो अगर जो है बिजनेस स्टार्ट करता है वो रिग्रेक्ट करना शुरू कर देता है, कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो वो सारे जो है ऑफिस जो है हेल्प करता है उन चीज़ों को स्पेसिफाई करने के बाद, एक्टिविटीज देखने के बाद प्रमोट करता है कि बिजनेस में क्या क्या चीज़ें एक्सपेंड हो रही हैं। सो इट इज़ अ सेटअप टू हैंडल द इंफॉर्मेशन एंड डेली ट्रांजेक्शन इज इन अ सिस्टमैटिक वे। तो ये जो है सेटअप करने में, हैंडल करने में इंफॉर्मेशन को, डेली ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक वे में देखने के लिए जो है अच्छे से ऑफिस जो है हेल्प करता है बिजनेस की। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या है एंड मॉडर्न कंसेप्ट क्या है ऑफिस का। सो ट्रेडिशनल कंसेप्ट जो है वो डिफाइन करता है ऑफिस को, वो एक ऐसी जगह है, वो एक ऐसी प्लेस है, यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं मैनेजरियल एंड क्लरिकल एक्टिविटीज़ को किया जाता है। तो इसे डिफाइन किया गया है एक ऐसा डेफिनेट एरिया है जो इम्पॉर्टेंट एरिया है किसी भी बिजनेस में। सो ट्रेडिशनल में यही है कि जहाँ पे मैनेजरियल एंड क्लरिकल वर्क होता है तो उसे हम ऑफिस बोलेंगे। मॉडर्न में क्या है? मॉडर्न कंसेप्ट ये है ऑफिस का जो कि एक्सप्लेन करता है एक्टिविटीज़ रैदर देन अ प्लेस। प्लेसेस जहाँ पे ज़रूरी नहीं है लेकिन एक्टिविटीज़ जो उसका काम है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है, कलेक्टिंग करनी, इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो वही मॉडर्न ऑफिस का बेसिक फंक्शन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो ज़्यादा जो है अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और उसमें कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो वीडियो चाहिए देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जो है बता सकते हैं, तो मैं जो है आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वीडियो अपलोड कर दूँगी अपने चैनल के ऊपर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वंस अगेन जो है अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है तो मैं जो है वो नेक्स्ट वीडियो में क्लैरिफाई कर दूंगी। तो प्लीज़ आप मुझे जो है उस डाउट को साथ में जो है क्लियर जो है कर लेना, और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो छूट ना जाए, वो रह ना जाए। थैंक यू सो मच।